बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे फ्रॉक का न्यू डिज़ाइन। कपड़े की मैंने रेब निकाल कर कपड़ा सीधा कर लिया है। डायमीटर ये कपड़ा है मेरे पास और चौड़ाई में ये ज़्यादा है। अगर आपका कपड़ा चौड़ाई में कम है तो आप 3 मीटर ले सकते हैं कपड़ा। अब इसके अंदर से मैं फ्रॉक की लेंथ कट कर लूँगी, जितनी मुझे लेंथ तैयार चाहिए। उससे मैंने 2 से 3 इंच छोटी रखी है, ये 40 इंच पर रखकर कपड़ा कट कर लिया है। अब जितना मुझे खुला तैयार चाहिए उससे 2 इंच ये ज़्यादा है, दरमियान से मैंने फोल्ड कर लिया है। 7 इंच पर रखकर मैंने तिरे का निशान लगा लिया है। जितनी मुझे खुली तैयार चाहिए उससे 1 इंच ये ज़्यादा है। 5 इंच पर रखकर ऊपर से मैंने निशान लगाया है और 3.5 इंच खुला ये निशान मैं कट कर दूँगी। अब इस कपड़े को नीचे तक मैं कट कर लूँगी। ये जो कपड़ा है मैं स्लीव्स के अंदर अटैच करूँगी। अब इसके मैंने 3 पीसेस कर लिए हैं, आप चाहें तो 4 कर सकते हैं या 2 कर लें। इसकी लेंथ 9 इंच है एक पीस की, और जो मैं इसके अंदर अटैच करूँगी कपड़ा उसकी लेंथ मैंने 11 इंच ली है। ये वो कपड़ा है जो इसकी लेंथ से निकला है। कपड़ा चौड़ाई में मैंने सारा लिया है, इसकी चौड़ाई 20 इंच है। अब इसके जो नीचे मैं कपड़ा अटैच करूँगी, एक कपड़ा मैं पूरा लूँगी और एक आधा लूँगी। सबसे फर्स्ट वाला मैंने पूरा कपड़ा लिया है 2, उससे नीचे वाला 1.5 लिया है और उससे नीचे वाला 1 लूँगी। ये जो सबसे ऊपर वाला कपड़ा अटैच करूँगी मैं, इसकी चौड़ाई 10 इंच है एक कपड़े की। अब इन तीनों के ऊपर मैं मगजी अटैच करूँगी, आप चाहें तो सिंपल फोल्ड कर सकते हैं। ये मेरे पास कंट्रास्ट कपड़ा है, इसके अंदर से मैं 1 से 1.5 इंच का चौड़ाई में कपड़ा कट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। कपड़े को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया है और एक सिलाई मैं इसके ऊपर ऊपर लगा लूँगी। ये जो मैंने मगजी अटैच की है ये ऊपर वाली साइड में करनी है, नीचे वाली साइड पर नहीं करनी। थोड़ा सा फासला छोड़कर ये मैंने सिलाई लगा ली है तीनों पीसेस के ऊपर। एक दाग अपनी तरफ खींच कर इसके ऊपर मैं प्लेट डाल लूँगी। दागे को हल्के हाथों से अपनी तरफ खींचना है और जो मशीन की सिलाई है उसे बड़ा कर लेना है ये सिलाई लगाते वक्त। दागे को ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, आराम आराम से अपनी तरफ खींच कर 1.5 पीस के ऊपर मैंने प्लेट डाली है। अब इसे मैं 1st पीस के साथ अटैच कर लूँगी। जो सिलाई मैंने प्लेटों के लिए लगाई थी उसी के ऊपर रखकर 2री सिलाई लगा लूँगी। नीचे से जो कपड़ा अंदर की तरफ है वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है।
फ्रॉक की दोनों कलियां हो गई हैं तैयार। इसकी दोनों कॉर्नर से मैंने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है। तकरीबन 2 इंच लेंथ में ये मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। दोनों कॉर्नर्स पर सिलाई लगाने के बाद मैंने इसकी प्लेटों की सिलाई लगाई थी। अब मैं कमीज़ का गला तैयार कर लूँगी। ऊपर से गला मैंने सिंपल कट किया है 1 इंच का, नीचे से निशान लगाकर। कोई सी भी गोल चीज़ ले लें आप। मैंने 3 निशान लगाए हैं, आप चाहें तो सिर्फ 2 रहने दें। इनके अंदर 1-1 इंच का फासला छोड़ा है। अब गले को भी मैं कंट्रास्ट पीस के ऊपर पेस्ट कर लूँगी। साइडों से मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अब अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर लूँगी मैं। दरमियान से भी मैंने सिंपल कट लगाए हैं और आयरन के साथ अंदर की तरफ प्रेस कर लूँगी कपड़ा। कट चेपी के साथ तक नहीं लगाने, बस छोटे छोटे लगाने हैं। अब इजीली अंदर की तरफ ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। साइडों से मैंने सिंपल फोल्ड किया है, आप चाहें तो मगजीर अटैच कर सकते हैं। उल्टी साइड के ऊपर रखकर मैंने सिलाई लगा ली है। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके 5 से 6 कट्स लगा लिए हैं और इसे सीधा कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो दरमियान से मैंने गोल कट्स लगाए हैं इनके अंदर कपड़ा फोल्ड करूँगी और इधर भी इजीली सिलाई लगा लूँगी। इनके अंदर से मैंने कपड़ा सिंपल रखा है, आप चाहें तो नेट लगा सकते हैं। बैक साइड का गला मैंने कट कर लिया है, अरेबी मगजी गुलाई में रखकर लगा ली है। अंदर की तरफ इसे फोल्ड करूंगी और कंधे की सिलाई लगा लूंगी। दोनों तरफ मैंने ऊपर से फिटिंग की सिलाई भी अटैच कर ली है। अब ये जो ऊपर की साइड है दोनों किनारों से मैंने कपड़ा 2-2 इंच पर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। दोनों किनारों से सिलाई को मैंने डबल कर लिया है। अब ये जो कॉर्नर है इधर से कपड़ा मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इजीली ये सिलाई लग जाएगी।
फ्रॉक हो गई है तैयार। अब नीचे से दरमियान से जो कपड़ा कम है इधर मैं डिज़ाइनिंग करूँगी, और जो कपड़ा दोनों साइडों से निकला था फिटिंग की सिलाई से उसके अंदर से मैं स्लीव्स तैयार करूँगी। साइडों से मैं सिंपल फोल्ड करूँगी और सिलाई के अंदर इस तरह से ये डिज़ाइन रख लूँगी। आप चाहें तो सिर्फ दरमियान से फ़ोल्ड कर लें, मैंने दरमियान से दो दफ़ा फ़ोल्ड किया है कपड़ा इक्वल रखकर। ये डिज़ाइन मैंने सिलाई के अंदर रखा है, आप मोती के साथ अटैच कर सकते हैं इसे। फ्रॉक हो गई है तैयार। इसकी कलियों के अंदर मैंने तीन पीसेस अटैच किए हैं, आप चाहें तो चार कर सकते हैं। जो कपड़ा फिटिंग की कटिंग से निकला था उसके अंदर मैंने कंट्रास्ट पीस अटैच करके इसके स्लीव्स तैयार किए हैं।